दो अंकी ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य संख्या हो? मैं पास में आएगी वो होगी 23। 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 37 होगा, जिसमें 3 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। अगला हमारे पास में होगा 53। 53 में 5 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। और जो नेक्स्ट होगा वो 73 होगा, जिसमें 7 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो ये आपके पास में टोटल नंबर में आपके पास में 4 अभाज्य संख्याएं हैं, जिनमें प्रत्येक अंक जो है अभाज्य संख्या है। तो आप 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं को लिख लीजिएगा। 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और उन अभाज्य संख्याओं में देख लीजिएगा 23, 37, 53, 73 के अलावा और कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं होगी 2 अंक की, जिसमें कि प्रत्येक अंक जो है अभाज्य संख्या हो। तो हमारे पास में ये 4 संख्याएं हैं ऐसी। तो सभी को समझ में आ गया होगा और नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 29.4 संख्या 42 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत है ना, कि ये कहा है कि 29.4 का कितना प्रतिशत 42 है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, तो अब तो आप आ ही जाएगा सॉल्व करना। 42 × x प्रतिशत मतलब x बट्टे 100 बराबर 29.4, और यहां से हमारे पास में 100 जो 29 के साथ में चला जाएगा, 29.4 के साथ में। तो 42 × x बराबर 29.4 × 100, क्योंकि 100 राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जो है मल्टी डिवाइड कर रहा है, तो राइट हैंड साइड पे जाके जो है मल्टीप्लाई करेगा। और x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 29.4 × 100 और अपॉन 42। तो इसको आपने सॉल्व करना है, इसको काट लीजिए। तो आप 9.4 है, तो इस आप 4.4 के मल्टीप्लाई करें, 2.4 और इससे आप इसको काट लीजिए। तो 42 हैं, तो तीन बार क्या पास रहा है, 4 ले रहे हैं, तो एवर में देखते हैं 14 कम यार 7 सभी 14 और तो x इक्वल टू 70%, ये आपके पास में रिजल्ट आएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही है, तो 70% यही रिजल्ट आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23.0 × 13.2 इंटू 7.5 इंटू किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा कर दें तो रिजल्ट हमारे पास में 0 आएगा। तो इसलिए 0 आंसर इसका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। 80 प्लस छोटा कोष्ठक, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, 800 डिवाइडेड बाई 8 1 मल्टीप्लाई 2 मान क्या होगा? सब देखने की 80 प्लस सर 280 प्लस 200 बराबर 280। 280, तो इसका 280 रिजल्ट है। तो ए ऑप्शन इसका सही है।
और सभी ने इसे कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिखिए लिखिएगा संख्याओं संख्याओं 4, 5, 4, 0, 5 4, 5, 4, 0, 5 कॉमा। अब मैं संख्या को एक ही बार बोलूंगा क्योंकि कंफ्यूज होंगे। 4, 5, 4, 5, 0 कॉमा 4, 5, 5, 0, 4 कॉमा 4, 5, 4, 9 का घटता क्रम क्या है? कर लेते हैं। देखो सभी में 5-5 डिजिट हैं। 1, 2, 3, 4, 5 सभी में 5-5 डिजिट हैं। तो देखो 45,000 में चल रहा है तो सभी 45,000 है। ओके नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम। फिर सैकड़े के जो स्थान पे वो 4 है और यहां 4 है, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि यहां पे 5 है तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 45,504। तो 45,504 हमको दूसरे ऑप्शन में भी मिल रहा है लेकिन हम यहां से चलते हैं जो योगिता ने बोला है कि आपके पास 45,504 है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 504 के बाद नेक्स्ट हमारे पास में क्या है। यहां सभी जगह 4 था, आप दहाई वाले को देखें तो यहाँ पे 0 आपके पास में है, यहाँ 5 है और फिर यहाँ 4 है, तो यानी कि 5 वाला बड़ा है तो 45,450 तो वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। और उसके बाद जब नेक्स्ट नंबर की बात करें तो हमारे पास में देखो 450 हो रहा है, 449 हो रहा है और 405 हो रहा है। तो हमने देख लिया 450, 449 और 405 और सबसे पहला नंबर होगा 45,504। तो ये घटता हुआ क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिखिएगा 435.88 तथा 37 योग से क्या घटाया जाए से क्या घटाया जाए जिससे परिणाम रिजल्ट 4.08 प्राप्त हो। क्वेश्चन है तो मान लीजिए इसके योग में से x घटाया जाए, 472.88 में से x घटाया जाए तो हमको 4.08 प्राप्त हो। तो वैल्यू निकालनी है x की, तो हमें ये मालूम है कि भाई यहां x का चिन्ह नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो हमको सबसे पहले x को पॉजिटिव बनाना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको पॉजिटिव बनाना है। तो ये पॉजिटिव कब बनेगा? जब ये अपनी साइड चेंज करेगा, यानी कि माइनस एक्स राइट इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसका अगला स्टेप आपके पास में हो जाएगा 472.88 इक्वल टू 4.08 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू निकालनी है तो अब एक्स के साथ जो 4.08 है वो प्लस के साथ में है तो ये आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो इसलिए 472.88 में से 0.08 अब घटेंगे तो अब आपके पास में एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर आपके पास में हो जाएगा 472.88 माइनस 4.08। यस प्रियांशी सर, फिर हम 8 में से 8 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 12 में से 4 गया सर 8 और सर यहाँ पे 6 बचे तो 6 और 4 सर 4 सर 468.80 तो 468.80 ऑप्शन बी है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिखेगा 26 सहित 5/8 26 whole 5/8 का दशमलव तुल्य है, यानी कि ये दशमलव में किसके बराबर है।
48। पांच बज गया, दशमलव लग गई, 50, 8 छक्के 48 और 20, 8 दूनी 16 और फिर 4 बज गया 0, 8 पंजे 40। तो 26.625 इसका रिजल्ट है, जो कि आपके पास में यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन को और करने का तरीका, दूसरा तरीका भी इसमें है, उसको भी सीख लीजिए, थोड़ा और जल्दी इसमें हो जाएगा। 26 सहित 5/8 है, इसको आपने दशमलव में बदलना है। तो भाई 26 दशमलव तो आएगा आएगा ही। अब 5/8 को आप हल कर लीजिए, 5/8 यानी कि 8 का भाग 5 में दे दीजिएगा, कितनी बार जाता है। तो 8 का भाग 5 में जाएगा 0 बार पहले, 8 शून्य शून्य, क्योंकि छोटी है संख्या। फिर नीचे 5 उतर गया घटाने के बाद, दशमलव लगाया, 0 बनाया, 8 6 48, 50 में से 48 गया 2, तो 2 के साथ में 0 दिया क्योंकि दशमलव लगी हुई है, तो 8 दूनी 16 है। और फिर 20 में से 16 घटा के 4 आपके पास में आया, दशमलव लगी, 0 बढ़ाया और 8 पंजे 40। तो आप जानते हैं कि भाई 0.625 आपके पास में आ गया। तो 26 में आपने 0.625 को जोड़ देना है, 26 पूर्णांक है, यहाँ पूर्णांक 0 है, तो 26 और 0 जुड़ के 26 हो गया और 0.625 आपके पास में ये रिजल्ट हो गया। तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है? लिखिएगा, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसके गुणनखंड 2, 3, 5 और 11 हैं? गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सीधे रिजल्ट देखना है। तो उसने कहा है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसके गुणनखंड 2, 3, 5, 11 हैं? तो इनको आपस में गुणा कर दीजिए, 2, 3, 5, 11 को आपस में गुणा करेंगे तो 2, 3, 6 गुणा 5 गुणा 11 है, 6 पंजे 30 गुणा 11 है, और 11 शून्य शून्य और 11 3 33, तो 330। तो ये आपके पास में फटाफट रिजल्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 6.75 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखने पर क्या प्राप्त होगा? 6.75 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखने पर क्या प्राप्त होगा? ओके, कौन रिजल्ट होगा? क्यों होगा? क्योंकि सेंटीमीटर से किलोमीटर तक आप जब जाएंगे तो आपको 5 स्टेप जो है ऊपर की ओर को जाना है। तो ऊपर को जाते समय हमने कहा है कि आपने डिवाइड करना है 10 से, तो जितने स्टेप गए, तो आप 5 स्टेप गए तो 10 को 5 बार गुणा किया आपने, तो 1 लाख आपके पास में आ गया, 6.75/1 लाख हो गया। अब अपने स्थान से लेफ्ट हैंड साइड को कितने स्थान, कितने 0 हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 0 हैं। तो 1 तो आपके पास में 6 हो गया और बाकी आपने 4 स्थानों की पूर्ति करने के लिए 0, 0, 0 बढ़ा दिया। तो इस तरीके से 0.00006 5 ये आपके पास में रिजल्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी विषम संख्याओं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए लिखना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी विषम संख्याओं और नंबर
जीरो कॉमा थ्री कॉमा सिक्स कॉमा सेवन, वह नाइन से बनी है, में अंतर होगा, यानी 96,924। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही है। तो अब आप लोग खुद देख लीजिएगा कि आपके द्वारा जो 10 प्रश्न पूछे गए थे, तो उन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको आए, और उससे एनालिसिस कर लीजिएगा कि अभी आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। तो धन्यवाद आप सभी लोग।